स्पाइन डे अवेअरनेस आपण ठेवून लोकांची होणारी जी स्पाइन प्रॉब्लेम आहे ते आपण कसं कमी करता येईल, त्यामुळे जागतिक स्पाइन दिवस हा आपण म्हणजे वर्ल्ड स्पाइन डे आता हा साजरा करणं सुरू केलेला आहे. पण यावर्षीची जी थीम आहे ती कदाचित आपल्याला माहीत असेल किंवा नसेल तर मी तुम्हाला सांगतो, लव्ह युअर स्पाइन ही तिची थीम आहे. 2018 थीम आहे स्पाइन डे, त्याचं थीमचं नाव आहे लव्ह युअर स्पाइन. तर आज आपल्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सला म्हणजे त्याचा उद्देश एक मी सांगतो की आपल्या औरंगाबाद किंवा आपल्या घरात दररोजच्या जी घडामोडीमध्ये आपण आपलं योग्य तो व्यायाम, योग्य तो वजन माप, जीवनशैली ही जी आपलं बदलत चाललेलं आहे, त्यामुळे आज 16 अक्टूबर जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड स्पाइन डे बोल के मनाया जाता है, उसका इस साल का जो थीम है वी लव आवर स्पाइन, लव योर स्पाइन ये थीम है. इसका माने कि हम हमारे स्पाइन का ख्याल रखो, हमारे स्पाइन से प्यार करो और उसे कुछ बीमारी से दूर रखो. बीमारी से दूर रखने के बहुत ही सिंपल तरीके रहते हैं. 90% जो स्पाइन के बीमारी है वो हम खुद हमारे जीवन शैली को बदल के हमने लेके आते हैं. माने कि ड्राइविंग करते हैं उस समय हम बेल्ट यूज़ करिए, अगर सीट बेल्ट यूज़ किया है तो सर्वाइकल कॉलर भी बेल्ट यूज़ करना चाहिए. जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर अगर शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में तो उसके वहाँ पर उसे जो मनका है, जो स्पाइन है, वहाँ कम से कम हलचल होना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए. जब हम बैठते हैं ऑफिस में बैठो या कोई क्लिनिक में बैठो या कोई हम कहीं पार्टी में बैठो तो स्ट्रेट जैसा स्पाइनल पोस्चर जो हम सर्जन जो स्पाइन सर्जन बोलते हैं वैसा आपने बैठना चाहिए. इसके अगर हमने कुछ बातें हैं, जब हम प्लेयर अगर हम स्पोर्ट इंजरी करते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है तो कोई तज्ञ अगर आजू साथ में रहेगा मार्गदर्शन के लिए, तो उस हिसाब से हमने करना चाहिए. सबसे बड़ी बात है कि स्पाइन डे के निकारण बोलना चाहता हूँ मैं आप सबको, उसमें हर कोई आदमी आजू बाजू में जो आपके आस पास में रहता है, स्पाइन में अगर ऑपरेशन लगता है तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है. और ऑपरेशन करना माने कि स्पाइन का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैरों में आता पैरों में उनका परमानेंट इलाज नहीं होता. ये सब हमारे जो दिमाग में बैठा है वो निकाल देना चाहिए. टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, स्पाइन का ऑपरेशन करने के बाद आज आदमी 100% अच्छा हो सकता है. इसलिए किसी ने अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, अगर वो सच में ज़रूरत है, तो उसे अच्छे सर्जन से जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं. और ऑपरेशन के कारण बिल्कुल डरना नहीं है. और दूसरी बात अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि रास्ते भले ही अच्छे अभी हो रहे हैं पर हम ड्राइविंग अगर स्लो करेंगे तो उसी से अपना स्पाइन का हेल्थ अच्छा रहेगा. इतना बोल के अगर हम कुछ होता है तो हर साल स्पाइन के बारे में कुछ नए नए बातें आती हैं. इस बार भी जो मेंडोस कितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी भी हो, शादी हो, डिफ़िकल्ट हो, जहाँ पर हमें ऑपरेशन लगता है हम उसी ही ऑपरेशन का सलाह देते हैं. और ऑपरेशन के बाद भी रिजल्ट उनका अच्छा मिलता है. जिस किसी को अगर ऑपरेशन के बारे में लगता है कि ऑपरेशन किसी ने बोला है तो एक बार सलाह के लिए आप हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं. ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट यूज करना है, वहाँ पर मनके के लिए वहाँ पर आपने ये करना है. कभी अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो फ्री एम्बुलेंस सर्विसेस रखा है, उसके लिए हमारे नंबर्स डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि जब भी शिफ्ट होता है तो उसका जो मनका है, उसकी जो स्पाइन है, वहाँ पर कम से कम हलचल होना चाहिए. हमने ऐसा निदर्शन हमको ऐसा निदर्शन में दिखने में आया है कि 20% पेशेंट वो जब एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर उनके हाथ पैर अच्छी तरह से हिलते हैं, पर जब शिफ्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन में अगर वहाँ की हलचल अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उस कारण से उनका आगे हाथों में और पैरों में जो खराबी आती है वो परमानेंट उनकी लाइफ टाइम रहती है. ये सब बातें हम कम से कम होना चाहिए, उसके लिए हम सब प्रयास करें, सबको अवेयर करें, सबका स्पाइन अच्छा रहे. ये मैं आज के स्पाइन दिन के निमित्त में आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. आपकी टीम में कौन कौन शामिल? हमारे टीम में स्पाइन ट्यूब जो रहती है पूरा, एक न्यूरो सर्जरी रहता है, ऑर्थोपेडिशन रहते हैं, ऑंको सर्जरी का जो पार्ट आता है स्पाइनल ट्यूमर में वो सर रहते हैं, मेन रहते हैं ऑपरेशन के बाद में जो चेस्ट फिजिशियन उनका डॉक्टर बालाजी ब्रदर सर जो हमारे पास कंसल्टेंट है आईसीयू में, वो हमारे पूरे ऑपरेशन के बाद में जो भी निमोनिया, जो भी ट्रकियोस्टोमी दान माने कि स्पाइन में अगर ट्यूब डालना है लंग में तो सबसे डिफिकल्ट होता है, उसके वो ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड डालते हैं जो हमारे पास एडवांस है, उसके कारण बिना मोड़े उसमें वो नली डाल सकते हैं और उनके लिए आईसीयू में आगे का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे, स्पाइन अच्छा रहे और जो निमोनिया होने वाला रहता है वो कम से कम हो. धन्यवाद सर.
आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? हम हमारी टीम में नॉट न्यूरो सर्जन डॉक्टर ललित बंसवाल सर जो ऑन्को सर्जन हैं, डॉक्टर बालाजी ब्रदर सर जो चीफ फिजिशियन हैं, हम सब टीम मिलकर एक आपको मैसेज देना चाहते हैं कि स्पाइन डे है, उसका थीम भी लव योर स्पाइन है। तो आपने हमने हमारा जो बीमारी है 90% बीमारी हम हमारी कम से कम कर सकते हैं चार बातें का ख्याल रखते हुए। पहली बात है कि हमारा पोस्चर, ताकि हम जब बैठते हैं तो बैठने का जो तरीका है वो सही तरीका क्या है वो आप जान लो, कोई न्यूरो स्पाइन सर्जन रहेगा न्यूरो सर्जरी का उससे आप जान लो, ताकि आपको सही कैसा बैठना है, आपकी बॉडी के हिसाब से कैसा रहना है वो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है कि एक्सीडेंट होता है जो कि ड्राइविंग करते हैं तो उसमें सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए, सर्वाइकल कॉलर यूज़ करना चाहिए। किसी को फंक्शन में जाने के टाइम शर्म आती है कि मैं कैसे बेल्ट यूज़ करूँ, पर ये आपका आरोग्य है, आपने खुद उसको ख्याल रखना है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और तीसरी बात है कि ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, स्पाइन के ऑपरेशन में डरना नहीं है और कोई भी स्पाइन का डर आपने दिमाग में रखना नहीं है। बहुत बार आप जाते हैं ओपड़े में, कभी कभी एक्सरे निकालते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, MRI निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप अगर आपको मिलता है तो गैप बोल के अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना नहीं है। सभी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, आप योग्य टाइम पर सही टाइम पर न्यूरो सर्जन से जाके सलाह लीजिए, शायद आपका स्पाइन का प्रॉब्लम चंद दिनों में ही गायब हो सकता है। धन्यवाद।